3 घंटे सोती थी और उन्होंने वहाँ पे एक महिला जज को देखा था, तब उन्होंने सोचा था कि अपनी बेटी को जज बनाऊंगा, तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा उनका ही सपना था, बस वही पूरा किया, इसीलिए किसान की बेटी जज बनी। सोनीपत के किशोरा गाँव में इस समय मौजूद है और बड़े ही गर्व की बात है कि एक बेटी और अपनी बेटी को लेके यहाँ पे पहुंची है और सपना है वो पूरा हुआ है। किसान की बेटी ने जुडिशरी क्रैक की है और हिमाचल में जज बनी है। पदम सिंह दहिया और तमाम यहाँ पे अतिथिगण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हिमानी देशवाल। हिमानी जी, बड़े गर्व की बात है, एक माँ जो आप यहाँ की बेटी है और वो आज आपको अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आई है, कितनी खुशी लग रही है? आपने सही कहा कि एक बेटी अपनी बेटी को यहाँ लेके आई है, मैं अपने मैत्रिक गांव आई हूँ। खुशी आप देख ही सकते, पूरा गांव खुश है और जहाँ माँ बाप की इज्जत होती, जहाँ उनको प्यार दिया जाता, तो बच्चों को अपने आप खुशी होती है। और मेरे मामा और समस्त जो मेरा मैत्रिक गांव है, मेरे नाना जी जितने भी मेरे मामा जी सभी खुश हैं, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। इतना प्यार दिया, इतना अच्छा प्यार दिया, तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक किसान की बेटी जज बनी है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके तो शायद और कोई है जुडिशरी में? नहीं, लो के बैकग्राउंड में भी सिर्फ मैं ही हूँ जिसने BLLB की है। क्या बात है, मतलब ये फिर सपना कहाँ से पला और कैसे पूरा हुआ? ये सिर्फ मेरे पापा और मम्मी की वजह से। पापा कोर्ट में गए थे, वहाँ पर एक सिविल लिटिगेशन था और उन्होंने वहाँ पे एक महिला जज को देखा था, तब उन्होंने सोचा था कि अपनी बेटी को जज बनाऊंगा, तो पापा का ही सारा कंट्रीब्यूशन रहा है और मम्मा ने भी पूरा साथ दिया है। कभी काम नहीं करवाया जैसे गाँव में होता है, लड़की को जिस तरह रखा जाता कभी नहीं रखा, तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा उनका ही सपना था, बस वही पूरा किया, इसीलिए किसान की बेटी जज बनी। क्या बात है, रहना गांव में था या शहर में था? मेरा हमेशा से ही मैं गांव में ही रही हूँ। गांव में रहे और उसके बावजूद सपना कैसे पूरा हुआ, ये बड़ा आश्चर्य है। जी सर, मैंने रोहतक MDU से LLB की है, तो कोरोना से पहले मैं हॉस्टल में रहती थी 3 साल, उसके बाद मैंने घर से ही की है 2 साल LLB के। उसके बाद मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली से, वो भी ऑनलाइन ली थी, राहुल IES, वन ऑफ द रिनोन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो उसकी वजह से सर, राहुल सर और बाकी टीचर्स और जो मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई और मामा मामी सबका सपोर्ट रहा है, और मेरे दादाजी का ये सबसे पहले था कि मैं सबसे पहले लगने के बाद अपने मामा के गाँव जाऊँ, तो मेरे दादाजी भी आए, वो बहुत खुश हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया सभी ने। क्या बात है, दादाजी खुद चाहते थे, कहाँ है दादाजी? बोलिए दादाजी। आंटी, बेटी ने सपना पूरा कर दिया है और आज तो फिर बहुत खुशी होगी, और अपने घर लेकर आए सब तो पहला? बहुत ज्यादा खुशी है भाई, मेरे भाइया ने मतलब यहाँ बुलाकर हमारा बहुत सम्मान किया है, और गाँव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत खुश हूँ मैं इस वास्ते, और मैं चाहती थी मेरे भाई मेरी बिटिया को यहाँ बुलाए गाँव में, और आज गांव आवड़ा यो बहुत मौसम नमस्ते करती हूँ हाथ जोड़ के। जो मेरा एक तो बात है, किसान की बेटी मतलब आपने भी कदम नहीं हुआ जो हो रहा है, कौन जज्बा है गाड़ है, काम कर लेना है, परोठे ठा ले हैं, हमेशा देखते थे, बहुत पढ़ाई करती थी, मतलब इसने ना मतलब आना जाना सब रिश्तेदारी में सब किमते आगे रखा था, सर पढ़ाई 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 पढ़ाई, दिन रात को सर 3 घंटे सोती थी, मतलब उठते बैठते मतलब नींद के लटके भी आती थी बेटिया ना, जब भी हम कहती बेटा सो जा, नहीं मम्मी पढ़ना, कुछ करके दिखाना, बन के दिखाना है। क्या बात है, बेटिया ने वो सपना मारा पूरा करे, अपने मम्मा का करा, मारा करा, सबका करे, अपने दादा का सब, वही बात है, अपने सपने आपने इंत दे दिए तो इसने पूरे करे। हाँ, इसने पूरे करे, हम तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ना हम पढ़ लिख रहे, जब ये रात में जागा करती है, आप भी जागा करते हैं? देखा करते हम, इसने बेटी सो जा नहीं सोती थी, बहुत कहते थे सो के नहीं देती थी, नहीं मम्मी माफ देख लूंगी, माफ पढ़ लूंगी, और मैं कोई ना मन सोगी तो मेरा कुछ नहीं रहोगा, मन तो ना कुछ करके दिखाना है, ये सोई नहीं है, इसने मतलब वो जो सपना पूरा कर गया पहले उसमें कर दिया, मारा मतलब जच्चा भी नहीं थी कि ये कर देगी इस करिश्मे ने, इसने ये करिश्मा करके दिखाया बेटिया ने, ऐसी बेटी सबको दो भगवान, जिसी बेटी मेरे को मिली ना ऐसी सबको दो, और इज्जत से करे मेरी बेटी ने, कुछ नहीं सबके मुँह करे मेरी बेटी, इसी बेटी सब ना दो भगवान, जबरदस्त जबरदस्त। दादाजी आपके साथ हैं, आपका सपना था? मेरा सपना था पुत्री को पढ़ाना और मेहनत करवाना, हमने नहीं काम का लाला था, नहीं हमने और किसी चीज का सवार था, माँ बेटी पढ़ पढ़ी, मैं ये कहता था तू पहली बार मैं लगाएगी। क्या बात है, ये सपना था हमारा। क्या क्या नाम आपका? विजेंद्र। विजेंद्र जी, ये है मतलब गांव में आज भी ये सोच है कि कई लोग ये बाहर जो हरियाणा से बाहर के लोग हो ये सोचते हैं कि हरियाणा में बेटियों की इतनी इज्जत नहीं होती। ना जी, ये बात हमारे घर में है नहीं जी, हम तो लड़के से बड़ी इज्जत अपनी बेटी की करें। नहीं, हरियाणा में तो है, हम तो जाना इस चीज ने कि हमारी छोरी के छोरे तो कम है। ना जी, कम नहीं है, बत्ती है। बत्ती है, हाँ। और जी ने पोती ने भी कमल काम कर रखा, पोते ने भी कमल काम कर रखा, दोनों बहन भाइया ने शुरू चा कर रखा गर्व से। क्या बात है, एक मतलब
किसान के नाते इतनी मेहनत इसने करी, तो आपको आज ये महसूस हो रहा होगा कि हम कम नहीं किसे थे। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना बढ़िया काम इनने हमारे उसको परिवार को, गांव को, अपने मामार को, सबको इनने इतना उत्साह सम्मान करवाया इनकी बदौलत पढ़ाई की। तो एक दो छोटी छोटी बात और पूछूंगा, क्योंकि आपको देख के इंस्पायर होंगे बच्चे और भी सीखेंगे किस तरह से मेहनत करनी है, कौन सी सही दिशा है और कितना समय इस चीज को देना चाहिए। और भी क्योंकि कहते हैं ना, एक अगर इज्जत बढ़ती है तो बहुत सारे बच्चों की इंस्पिरेशन होती है। आप पता नहीं कितनी सैकड़ों ग्रामीण जो बच्चियां हैं उनकी इंस्पिरेशन हो, तो किस तरह से वो तैयारी करें और कैसे आगे बढ़े। सर, जब मेरे पापा ने कहा था कि जज बनना है तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था, क्योंकि गांव के लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि एक मेंटेलिटी इस प्रकार की कि हमारे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो पापा ने मुझे कहा था कि लोगों की सोच बदलनी है और वो उसको करके दिखाना, तो मैंने किया। आप जज बनने के लिए LLB कर सकते हैं, वो चाहे 12th की बात करें 5-year LLB है, और ग्रेजुएशन की बात करें तो 3-year LLB है। तो मुझे जल्दी से जज बनना था, एक डेस्पिरेशन थी कि बस बनना है, तो इसीलिए मैंने 12th के बाद 5-year LLB की थी। ये है कि कोचिंग के साथ बहुत हेल्प मिल जाती है, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, कोई नहीं कर सकता, तो अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक कोचिंग का ये फायदा होता है, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया और मेरी कोचिंग अभी भी चल रही है। तो मेरी सितंबर लास्ट 2022 मेरे को डिग्री मिली थी और नवंबर 2023 को मैं जज हूँ। तो अगर इतने कम समय में आपको कोचिंग लेनी है और करना है, तो कोचिंग आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और कोचिंग के लिए मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो राहुल IAS, जहाँ से मैंने ली थी, बिकॉज राहुल IAS इज रिकॉर्ड ब्रेकर। वहाँ पर पिछले साल 2019 672 सेलेक्शंस, एंड इन दिल्ली इट इज अराउंड 90% जजेस आर फ्रॉम राहुल IAS ओनली। सो मैंने वहाँ से लिया और राहुल सर ने जो पर्सनैलिटी डेवलप की है उसी की वजह से। तो आप कोचिंग लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता, आप ज़रूर कर सकते हैं कोचिंग के बिना भी। लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता, लेकिन अगर आप LLB के टाइम पे ही तैयारी करते हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज, तो आप पहले भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था आपके पॉकेट में फोन जो है वो फोन नहीं है जो बच्चे कॉलेज में जाते कहते हैं एप्पल का फोन चाहिए मेरे को। सर, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, कि हमें कभी ये नहीं था कि हम अपने मम्मी पापा पर कोई भी दबाव डाले फाइनेंशियल। आप सोच सकते कि किसान कितना कर सकता है, तो हम जितना भी किया उन्होंने हमारे लिए, वो कहते हैं ना कि राजाओं की तरह ट्रीटमेंट दिया, तो वो मुझे मिला है। चीज़ों से कुछ नहीं होता, वो उनका प्यार होता है। पापा इतने आगे तक लेकर गए, लोगों से लड़े भी हैं कि मेरी बेटी तो जज बनेगी, लोग कुछ कुछ कहते थे, तो वो इनका सपोर्ट है। वो मैं एक कभी कभी दिमाग में आता होगा पापा ने इतने लोगों को कह दिया मेरी बेटी जज बनेगी, अगर नहीं बनी तो क्या होगा। नहीं, वो कभी प्रेशर ये नहीं था कि नहीं बनोगे तो क्या होगा, ही वॉज लाइक कि बनोगे, ज़रूर बनोगे। वो कभी मेंटल फ्रेम वो जाने ही नहीं दिया, वो हमेशा ये था कि बनोगे। लेकिन मुझे खुद ये नहीं था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलेगा, लेकिन वो निकल गया। उस दिन रिजल्ट आया, मैं बोली पापा फर्स्ट अटैम्प्ट, वो बोले कि चाचा भी बोल रहे थे कि हम सोच रहे थे कि बने, लेकिन इतना जल्दी वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को कि इतना जल्दी हो गया। तो चीज़ों से नहीं, जो मम्मी पापा का प्यार है वो प्यार सबसे बड़ा है। ये फ़ोन कुछ नहीं है, सिर्फ बात करने का माध्यम है, वो किसी भी फ़ोन से हो सकता है। ये आपके नानका से हैं सभी। आपका क्या नाम है? मेरा जी दंतल। क्या लगते हो आप इनके? मैं गांव खेवड़ा से हूँ। अच्छा अच्छा, तो सारे आशीर्वाद देने पहुँचे हैं आज। आप मामा हो इनके? क्या नाम आप? सुभाष चंद्र है। अच्छा, बड़ा आज तो राजी हो रहे होगे। हम बहुत खुशी है, खुशी बड़ी खुशी क्या होगी। मतलब देखो, माँ कहती भाई रिश्तेदारी हमारा त्याग रखा था, लेकिन आज आई है तो जजमन का ही है। पूरे गाँव की ओर सपोर्ट किया हमारे, पूरे गाँव ने, गुमान ने, आज पड़ोसों ने बड़ी सपोर्ट किया है, इनके आशीर्वाद से ये प्रोग्राम हुआ है। इबनू देख लो, एक बेटी बन गई और कितनी जितनी बेटी परिवार में होगी, कौन भी होगी, क्या कहोगे सब? तो सबको मैं अच्छी पढ़ाई करो, तैयारी करो और कोचिंग लो। क्या आपका क्या नाम है? मसी है। मसी हो आप? हाँ। राजी हो रहे हो आज तक? या बेटी हो है या? अच्छा, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया जी भी हमारे साथ है। दहिया साहब, बच्चे जो है वो नाम चमका रहे हैं, मतलब हरियाणा से बाहर जो लोग है ना सोचते हैं हरियाणा वाले बस आंगे आंगे में है, दिमाग भी बतेरा है। मैं सबसे पहले तो गुड़िया को बधाई देता हूँ कि एक साधारण परिवार में पैदा होकर इन्होंने अपनी सोच को प्रबल करके और एक एग्जाम पास करके आज जज का पदवी प्राप्त की है। तो इस परिवार को और इस गुड़िया को मैं जितनी भी बधाई दूँ उतना ही कम है, क्योंकि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं वो भी सोचेंगे कि एक साधारण परिवार की बेटी अपनी मेहनत से, अपनी कष्ट कमाई से इतने बड़े पद पर जा सकती है। तो हमने भी, आने वाली पीढ़ी इसका अनुसरण करेगी कि जो भी मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। क्या बात है।
मामा ना आप राजी हो रहे हो? हाँ राजी, बड़ी खुशी हो रही है। तो क्या कहो गया आशीर्वाद में? आशीर्वाद में बड़ा खुशी, बच्चा भगवान सब का देव है। क्या बात, राजी नहीं हो? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी, बहुत बेटी ने नाम रोशन कर दिया। ये हमारे प्रधान सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब देखो अनुका एक बेटी सब खातर इंस्पिरेशन है। नहीं ये बहुत ही खुशी की बात है, और पहले तो इसको बिटिया को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और ये हमारा दोनों गांव कुमासपुर किशोरा हमारी इस बार हालांकि पंचायत अलग हुई लेकिन हमारा एक ही घर है, एक ही घर है और आज भी एक पंचायत मानते हम। तो दोनों गांव में और आस पड़ोस में भी ये गवांड में भी बहुत खुशी का माहौल है। भाई ने हमें 2-3 दिन पहले बताया था तो बहुत ही खुशी हुई, और मैं दो और बच्चों को भी यही प्रेरणा दूंगा कि भाई इससे कुछ सीखो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। थैंक यू सर।